नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। उज्जैन दक्षिण विधानसभा में आने वाली कई ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की राशि खर्च कर लाखों रुपए की बनी पानी की टंकियां। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भरपूर पैसा खर्च हुआ है, लेकिन आम नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है पीने का पानी। इन टंकियों से भारी भरकम पानी की टंकियां बनकर कम्प्लीट हो चुकी है, पर इन टंकियों में पानी की कमी है और पीने का पानी नहीं होने से आम नागरिकों को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। वही आपको बता दें, इन टंकियों में पीने का पानी नहीं है, फिर आम नागरिक कैसे अपने घर पर पानी पिएंगे और पानी की समस्या खत्म होगी। लाखों रुपए की राशि खर्च कर बनी हुई है पानी की टंकियों को देखकर आम नागरिक और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इन्हें भरा जाए और पानी सुविधा शुरू की जाए। दादी, कहाँ रहते हैं आप? ये टंकी कब से बन रही है आपके यहाँ पर? साल भर हो गया करीब। कौन सी विधानसभा में आपका गांव? दक्षिण क्षेत्र में। कौन है आपके विधायक? मोहनलाल जी यादव। अच्छा, फिर कहाँ से ला रहे हैं आप लोग पानी? पानी को ये हेडपम्प से वगैरह के पीते हैं और क्या। अच्छा, टंकी बन गई पर पानी नहीं आ रहा है? पानी का भी शुरुआत ही नहीं हुई तो पानी कहाँ से आएगा? अच्छा, शुरुआत ही नहीं हुई तो कहाँ से आएगा? न तो वहाँ मोटर ट्यूबवेल में कोई खाली पड़ा होता है। कहाँ रहते हैं आप? गाँव खेमासा। कौन सी विधानसभा में आता है आपका गाँव? दक्षिण में आए। कौन है आपके यहाँ के विधायक? कौन है? मोहन जी है, अभी तो यादव साहब। अच्छा, ये पानी की टंकी कब से बन रही, कितना समय हो गया इसको? इन्हें करीब साहब साल भर तो हुई होगा। साल भर हो चुका है? हाँ। बने हुए कंप्लीट तो अभी हुई है। अच्छा। मतलब मुहूर्त जब से हुई हो करीबन साल भर हुई हो। अच्छा, बनते पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके गाँव में? पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा, टंकी बन गई पर पानी नहीं आ रहा है। अभी तो नहीं आया पानी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे टीवी न्यूज में।